अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जियार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीम। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। मेरठ पुलिस मेहरबान तो अफलात परिवार पहलवान, फिर सरकार चाहे किसी की भी क्यों ना, क्या सपा क्या बसपा और क्या ही भाजपा। पिछले समय से चली आ रही घटनाएं तो कम से कम यही साबित कर रही है, हथियारों से फायरिंग हो या फिर बिगेस्ट जेस्ट्रा के मालिक पर पिस्टल तानने की घटना न सिर्फ दब जाती है बल्कि पिस्टल को टॉय यानी खिलौना पिस्तौल शामिल कर अखलाक परिवार को क्लीन चिट दे दिया हुई है। ताजा मामला बलात्कार के आरोप से जुड़ा है। मेरठ के तेज तर्रार पुलिस अफसर पहले इस बात को एक सिरे से यह कहते हुए काट देते हैं कि यह मामला एक आईडी की जांच से जुड़ा है, सांसद के बेटे का नहीं। फिर बात जब लखनऊ तक पहुंची तो आनंद फानन में केस तो दर्ज कर दिया गया, लेकिन मेहमान नवाजी में शहर कोतवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस की जैसी प्रणाली है, यदि दानिश की जगह कोई और होता तो ठोक पीट कर नंगे पांव उसे हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता, लेकिन यहां तो शहर कोतवाल ने अपने दिल वे घर के दरवाजे और बाहें सभी खोल दिए। रात भर दानिश अखलाक मेरठ कोतवाल के आवास पर आराम से रहा। शहर कोतवाल उसकी मनपसंद सिगरेट मंगाते रहे और दानिश उसके छल्ले उड़ाता रहा, क्योंकि वह जानता है कि न बाप बड़ा न भैया, ऑल थिंग इज थॉट के भैया सबसे बड़ा रुपया। आज 164 के बयान में यात्रा ने दानिश अखलाक पर लगे सभी आरोप फिर से दोहरा दिए। ऐसा दावा यात्रा के अधिवक्ता ने फर्स्ट बाइट से किया है। उधर आज दिल्ली की पीड़ित छात्रा के कड़ी सुरक्षा के बीच मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के बयान दर्ज किए गए। छात्रा पर बयान बदलने का बराबर तमाम माध्यमों से प्रयास किए जा रहे हैं, पहले ट्रैप में फंस जाए इसके लिए मोटी धनराशि का भी बराबर ऑफर दिया जा रहा है। बसपा के पूर्व सांसद व मीट कारोबारी हाजी शाहिद अखलाक ने बेटे को बचाने के लिए तिजोरी के मुंह खोल दिए हैं। दो दिन पूर्व ही दानिश अखलाक के बड़े भाई साकिब अखलाक ने चुनिंदा मीडिया को बताया था कि उसके भाई को हनी ट्रैप में फंसाया गया है। उसका भाई छात्रा से होटल क्रोम में मिला है, इसके भी साकिब ने कैमरे के सामने पुष्टि की है। आज दिल्ली की पीड़ित छात्रा के अधिवक्ता से 164 के बयान पर बात की गई। दरअसल सुबह से ही यह मैसेज उड़ाया जा रहा था कि छात्रा अपने बयान से पलट गई है। वहीं छात्रा के अधिवक्ता ने बयान पलटने के दावे से सीधा इनकार किया है। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने यह कहा। हेलो, मनीष जी, रवि शर्मा बोल रहा हूँ फर्स्ट बाइट डॉट टीवी से। जी रवि भाई, क्या रहा भाई इसमें आज? आज ये रहा रवि भाई, इसमें लड़की का 164 का बयान कोर्ट में हो गया है। अच्छा। और लड़की ने अपने 164 के बयान में जो उसके साथ हुआ है समस्त घटना FIR का समस्त वर्जन उसने अपने 164 के बयान में बताया है। तो उसने वो उन्हीं लोगों को आरोपी बताया है, दानिश अखलाक? हाँ, दानिश अखलाक को आरोपी बताया है, उसी पर आरोप लगाए हैं, होटल में ले जाकर रेप करना बताया है, समस्त घटना उसने लड़की ने अपने साथ जो हुई है सब बताई है। अच्छा, आज सुबह से सोशल मीडिया पर चल रहा था कि लड़की अपने बयान से पलट रही है। देखो भाई साहब, ये तो सोशल मीडिया पे चला लेकिन इस तरह का कुछ नहीं था। लड़की ने 161 भी अपना FIR के अकॉर्डिंग किया और 164 भी FIR के अकॉर्डिंग किया, लड़की बिल्कुल भी नहीं बदली। अच्छा, अब इसमें क्या कार्रवाई होगी अब आगे? अब पुलिस का कार्रवाई है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट सबमिट करे। अच्छा, ठीक है मनीष भाई, ओके। आज भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने फर्स्ट बाइट टीवी को भेजे मैसेज में यह कहते हुए चेतावनी दी है कि यदि प्रतापपुर व कोतवाली पुलिस की लापरवाही का लाभ दानिश अखलाक प्रकरण में मिला तो मेरठ पुलिस को बचने का रास्ता नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प के साथ काम करने वाले माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में तथा लव जिहाद के कानून के बाद भी यदि मेरठ पुलिस दाएं बाएं कर रही है तो यह चिंताजनक है। पुलिस को यह चेतावनी दी। अब सवाल उठता है, क्या ऐसे में रेप की शिकार युवती को न्याय मिलेगा? क्या पुलिस इस मामले की संवेदनशीलता व गंभीरता को समझते हुए आवश्यक कदम उठाएगी? क्या पूर्व के मामलों की तरह यह मामला भी ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा? ऐसे ही सवालों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।